सो जब घर में पड़े हों कुक्ड राइस और आपको फ्राइड राइस नहीं कुछ स्पेशल खाने का मन कर रहा है तो प्लीज़ ट्राई करें ये चाइनीज़ फ्राइड राइस। हाँ गाइस, घर में पड़े होते पत्ता गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, तो मैंने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं ये चाइनीज़ फ्राइड राइस। तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक मेरे वीडियो पे और स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। सो गाइस, अगर आप चाइनीज़ कोई भी आइटम ट्राई करते हैं, चाउमीन है, नूडल्स है, या फ्राइड राइस है, या मंचूरियन है, कोई भी है, तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा कटिंग एंड चॉपिंग। तो देखिए गाइस, आप देख रहे हैं कितने अच्छे लच्छेदार जो मैं ये काट रही हूँ कैबेज। तो आपको कैसे काटना है ये मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि जनरली ये सारी रेसिपीज जो है वो तो मिनटों में बन जाती, पर जो एक्चुअली प्रोसेस होती है वो कटिंग की होती है, वो इस तरह से करना चाहिए। आप साइड का एंड निकाल दीजिए और बीच का ये पार्ट इस तरह से इसको रिमूव कर लीजिए। देन जो बचा हुआ पार्ट है जो बीच का, उसको हम थोड़ा सा नीचे रख कर प्रेस करेंगे हल्के हाथों से, और देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना कटिंग काटना। तो इस तरह से आप प्रेस कर दीजिए, दो से तीन बार आप प्रेस कर दीजिए और फिर लंबे हाथों से इस तरह से काट लीजिए। और दूसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है हमारा, आपकी नाइफ यानी आपकी चाकू भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ट्राई कीजिए कुछ इस तरह की चाकू हो, या फिर जो हमारे यहाँ स्ट्रीट फूड वाले यूज़ करते हैं उस तरह का अगर आपके पास चाकू हो तो वो भी बहुत मस्त रहता है। और बाकी तो मार्केट में अवेलेबल है शार्प वाले, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह की कुछ हम चॉपिंग जो है कैबेज के कर लेते हैं। और इसी के साथ बढ़ते हम अदर जो हमारी वेजीज है उनको भी किस तरह से कट करना चाहिए वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो दूसरा पार्ट आता है हमारा ये गार्लिक, तो आप नॉर्मल काट लीजिए, चॉप कर लीजिए। दूसरा पार्ट आता है हमारा ऑनियन का। ऑनियन को ऐसे काटना चाहिए, ऑनियन को हम दो भाग में पार्ट में कट कर देते हैं। देन इस तरह के कुछ लंबे लंबे आप लच्छे छल्ले कहना चाहिए ना, वो आप कट कर लीजिए, पर उसको इस तरह से रिमूव कर दीजिए तो बहुत मस्त रहता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से काटें। इस तरह से कुछ काटिए आप, देखिए ये इस तरह का, तो इस तरह कुछ आप अपना अनियन को काट लीजिए और देन उसके बाद उनको अलग अलग इस तरह से सेपरेट कर लीजिए। गाजर को आप पतली पतली इस तरह काट लीजिए। मेरी गाजर तो गाइस थोड़ी सी बहुत छोटी छोटी है, आप थोड़ी सी प्रोफेशनल गाजर लाइए मार्केट में जो मिलती है उस तरह का, तो आप इस तरह के कुछ लंबे लंबे काट पाएंगे। तो मैंने थोड़ा काटने की कोशिश की है। कैप्सिकम भी काट लीजिए आप लंबी लंबी इसी तरह से। देन उसके बाद चलिए बढ़ते हैं हम अपने कुकिंग, यानी कि हमारे जो वेजीज है उसको किस तरह से कुक करना चाहिए। तो जनरली हमारे ये जो चाइनीज़ आइटम की वेजीज होती है वो फुल्ली कुकड नहीं होती गाइस, वो पार्शली कुकड होती है। वो क्रंचीनेस जो होता है ना वो बहुत मस्त होता है, वो नहीं आता तब तक टेस्टी नहीं लगती। तो चलिए डाल देते हैं ऑयल में हम अपना गार्लिक, ग्रीन चिली और अनियन, और बस इसको हाई फ्लेम में जो है गाइस कम से कम 1 मिनट तक पकाइए, और फ्लेम हाई ही रखिएगा। हमको उसको कोई पिंक नहीं करना है, कोई गुलाबी नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। जनरली हम अपनी नॉर्मल सब्जियों में करते गुलाबी होने तक पकाएं, ट्रांसलूसेंट हो, नहीं गाइस, हाई फ्लेम में जस्ट हाफ मिनट जो पकाइए। देन गाजर डाल दीजिए, गाजर को भी इसी तरह से करिए। देन कैबेज डाल दीजिए, थोड़ा सा सॉल्ट डाल दीजिए और हाई फ्लेम में 1 मिनट जो उसको कुक कर लीजिए। आप चाहें तो लोहे की कढ़ाई जो हॉक होती है वो भी यूज़ कर सकते हो, या फिर पतले जो हमारे मटेरियल होता है ना और जिसमें बहुत जल्दी गर्म हो जाती है कढ़ाई, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। सॉस डाल देते हैं, सोया सॉस है, चिली सॉस है और विनेगर है, हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। देन उसके बाद उसके वापस से हम 1 मिनट जो उसको जल्दी से उसको कुक कर लेंगे। तो सोया सॉस एक्चुअली ऑलरेडी सॉल्टेड होता है, तो इसलिए नमक जो है आप हाँ ध्यान से डालिएगा, ज़्यादा नमक हो गया तो आपका पूरा रेसिपी बर्बाद हो जाएगा। और चिली सॉस डाल दीजिए, ग्रीन है, रेड है, जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप डाल दीजिए। और अभी तक अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही गाइस, और इसी तरह की रेसिपी अगर आप पसंद करते हैं तो मेरे साथ बने रहिए। तो ज्वाइन कर लीजिए मुझे, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, और रेसिपी को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और गाइस हाँ, मैं जो है डेली ब्लॉग्स बनाती हूँ, तो मैं कुकिंग के वीडियो भी डालती हूँ, ट्रैवल भी डालती हूँ, और अनबॉक्सिंग करती हूँ किसी प्रोडक्ट की तो वो भी डालती हूँ। तो हर कुछ रहता है मेरे उसमें, तो आप जुड़ सकते हैं अगर आप चाहें तो मेरे साथ। तो अभी तक जो मेरे वीडियो को देखते हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको मैं रियली थैंक यू कहती हूँ आपके सपोर्ट के लिए। और चलिए इसी के साथ डाल देते हैं इसमें अपने कुक्ड राइस, और देन उसके बाद इसको मिक्स कर लेते हैं। गाइस राइस डालने के बाद इसको हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, 1 से 2 मिनट ही पकाना है। और चूंकि मैंने इसमें अपने नूडल्स भी बनाए हुए थे साथ में इसके साथ, तो मैंने इसलिए वेजीज को 2 पार्ट में डिवाइड करके आधा पार्ट जो है मैंने फ्राइड राइस बनाया और आधा नूडल्स बनाए। तो अगर नूडल्स की रेसिपी आपको देखना है गाइस, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं प्लेटिंग। आप इसे एंजॉय कीजिए नूडल्स के साथ, या ड्राई मंचूरियन, ग्रेवी मंचूरियन, जो भी आपको पसंद उसके साथ। और कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। और इसी के साथ आपसे लेती हूँ अलविदा।
मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय, टेक केयर।